लोग, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो भाई लोग, आज मैं जा रहा हूँ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में, वहाँ पेंटिंग एग्जीबिशन है। तो आपने आज से पहले बहुत सारे एग्जीबिशन देखे होंगे, बहुत सारी जगहों पर देखे होंगे, पर आपने ऐसी पेंटिंग एग्जीबिशन कभी नहीं देखी होगी। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप जब वीडियो को एंड तक देखेंगे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये पेंटिंग एग्जीबिशन जो है, आपने इस तरह की एग्जीबिशन पहले कभी नहीं देखी। तो आइए चलते हैं। लोग, फाइनली मैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में पहुंच चुका हूं, और आप लोग देख सकते हैं जो है ये अच्छी अच्छी पेंटिंग्स लगी हुई हैं यहाँ पे, जो है आर्ट एंड क्राफ्ट लगे हुए हैं, और स्कल्पचर पे क्रिएटिव वर्क्स भी हैं इधर जो है, आप लोग देख सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करेंगे, इस वर्क के बारे में किस माध्यम में ये किया गया है? ये सारा वेस्ट मटेरियल है, ये जैसे गिट्टी हुआ, ये कागज का हम बनाए। इधर आप लोग देख सकते हैं, गेम चैलेंज चल रहा है, 10 के बदले आपको 20 मिलेगा अगर आपने जो है इस ग्लास के अंदर 10 का सिक्का डाल दिया। तुम्हारे भाई डाल रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। फिर भी इतना पास से नहीं डालना, इतना ऊपर से डालना है। क्या हुआ, इतना हो गया? ओह, अरे पकड़ गए, सकते हैं जो है कुछ ज्वेलरीज हैं और क्राफ्ट के वर्क हैं। आइए भैया से इसके बारे में थोड़ा सा पूछते हैं, जो है इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लेते हैं भैया से। जो है ये सब हैंडमेड है, शंख पूरा आइटम है, ये सब छिपी शंख से बना हुआ ये सब आइटम है, ये सारी आर्टिंग है। इस तरह का वर्क इसमें कोई नहीं करता, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पीसफुल और बहुत महंगी पड़ती है और टाइम बहुत ज़्यादा इसमें लगता है। बाकी सारी हमारे छिपी शंख से बनाई हुई छोटे छोटे टॉय है, कोई हाथ में गदा ले रखा है, कोई कबूतरों का सेट है, कोई उल्लू का सेट है, परिवार है पूरा, ये सिंगल पीस में भी यहाँ पे है सारे, ये झरने का है पूरा, अलग अलग टाइप के, ये बौद्ध भगवान है, पूरा हैंडमेड है, बच्चों ने अपने हाथ से सिंगल पीस बनाया है। तो भाई आप लोगों ने देखा जो है भैया ने कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया, भैया ऐसी ऐसी चीज़ें बना रहे हैं हैंडमेड से जो कि बनाना इतना आसान नहीं है, जो है बहुत ही मुश्किल है। तो आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, और भी स्टॉल लगी हुई है, सभी स्टॉल के पास चलते हैं और सभी से थोड़ा थोड़ा जो है पूछते हैं कि किस माध्यम में किया गया और कैसे किया गया। इधर कितने बढ़िया बढ़िया वर्क किए गए हैं, वाटर कलर भी हैं और इधर पॉट वर्क हैं कुछ, और इधर भी देख लीजिए आप लोग जो है। तो आपका नाम क्या है? मोनिका जी, आपने जो है ये कैसे मतलब इतना चीज़ बनाया है, तो थोड़ा सा आप इसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। ये हमने सारे लोग मिलकर बनाया है, ये और आप लोग देख सकते हैं कितनी सारी पेंटिंगे हैं, जैसा कि नाम लिखा हुआ है तो हमको जहाँ तक लग रहा है दीपक भाई का वर्क है ये। तो अभी आप लोग देख सकते हैं ये जो है कप पे बनाया गया है डिजाइन, इतना शानदार और जबरदस्त है, आप लोग देख ही सक रहे हैं। तो दीपक भाई, आपने इसको किस माध्यम बनाया कि आपने इसको पेंट खरीदा है? कब जो है कब खरीदा कि हमने इसको, फिर इसके बाद ये मंडाला वर्क है, इसको किया गया डिजाइन डाला गया। तो ये जो है ये आपने जो मंडाला आर्ट किया ये किस माध्यम में कल है, कौन सी एक्रेलिक कलर है हम लोग का, एक्रेलिक कलर इनका बहुत बढ़िया आपका हमारी तरफ से, इसका पूरा जो है आप हम भी सपोर्ट करो दीपक भाई, और आपकी साइड में हम कभी चल गए। थैंक यू। तो भी आप लोग देख सकते हैं ये वर्क जो है, मूवी आई थी बैटमैन एंड जोकर की, उसका ये जोकर का जो है बनाया गया है। तो आप बताएंगे इसको बनाया किसने, पहले आप ही बताइए। ये हमारे सचिन ने बनाया है, वो भी यहाँ पे नहीं सचिन। तो थोड़ा सा आप इस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन कर दीजिए। कैनवस पेंटिंग है, और माध्यम क्या है इसका जो है? इंस्पायर्ड है मूवी से और एक्रेलिक कलर से बनाया है। एक्रेलिक कलर। तो थोड़ा सा आप जो है इन वर्क के बारे में भी थोड़ा सा डिटेल बताइए, जो है कैसे किया गया है और
एमडीएफ बोर्ड पे बनाया गया है पोस्टर और एक्रेलिक कलर से और स्टोन्स की मदद से और टेरिकोट वाली क्ले की मदद से बनाया गया है। वॉल हैंगिंग्स है, डेकोर है, वो पूरा मतलब सुंदर है। तो इनका जो है आपने प्राइस क्या रखा है? जो है ये 200 से स्टार्टिंग है और ये छोटे वालों का 150। तो ये जो है ये जोकर का जो आप बनाया गया है इसका प्राइस क्या है? ये पता नहीं पर अब सोल्ड हो चुका है। यहाँ हमें बोतल पर बनाया गया कुछ जो है क्राफ्ट वर्क दिख रहा है, जो है बहुत ही जबरदस्त तरीके से बनाया गया है। तो आप बताएंगे इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताइए कि इसको आपने जो है किस माध्यम में कैसे बनाया है और जो है इनकी प्राइस क्या है? एक ग्लास बॉटल यूज किया गया है, वो भी सॉस की बॉटल है जो कि भी यूज हुआ है। तो उसके ऊपर ये है सिल्क का थ्रेड जिसको यूज किए हैं, किसी पे जूट का है, किसी पे नायलॉन है। और इसके बाद फिर बाकी फिनिशिंग है। प्राइस स्टार्ट इसका 20 मीडियम साइज का है, बड़े का 300-350 है, छोटे में 180 तक का मिल जाएगा। और आप जो है ये बैग वगैरह जो है किस माध्यम में बनाए हैं? जो है बैग काफी माइक्रीम का वर्क है जो कि कॉटन थ्रेड में बना हुआ है। आप लोग देख सकते हैं जो है बैग काफ़ी शानदार लग रहा है, जो है काफ़ी मजबूत भी होगा तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इस बैग का प्राइस क्या है? इस बैग का प्राइस है 2500। ओके, छोटे वाले का है 1500। तो छोटे वाले का जो है 1500 है। तो आप लोग ऐसी बोतल का जो है बोतल का वेस्ट ना फेंके, जो है बोतल जो भी आप लाए जो है कहीं फेंके ना, उसका जो है इस तरीके से आप रीयूज कर सकते हैं, उसको जो है अपने काम में ला सकते हैं। तो भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है पत्थर पर कलाकारी की गई है। ये पत्थर आप लोग देख सकते हैं कितना जबरदस्त लग रहा है, जो है सारे पत्थर बढ़िया है, जो है एक से बढ़कर एक पत्थर पर यहाँ पर कलाकारी की गई है। तो किया है जो है ये पत्थर आपको कहाँ से मिले हैं थोड़ा सा इसके बारे में? सैंड में से मिले, सैंड में से ये पत्थर मिले, उसको साफ करके फिर एक्रेलिक कलर से कलर किया गया, फिर वार्निश किया गया है इसके ऊपर। इनका जो है प्राइस आपने क्या रखा है? प्राइस 1500 आया हूँ। यहाँ पर वर्क आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ग्लास का कुछ वर्क किया गया है, क्राफ्ट वर्क है जो है। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात हमको ये देखने को मिली है कि यहाँ पर आइसक्रीम की जो चम्मच होती है जो है उस पर वर्क किया गया है और पत्थर पे भी वर्क किया गया है। तो आइए जिन्होंने इसको बनाया है उनसे थोड़ा सा पूछते हैं, इनके बारे में नॉलेज लेते हैं, जो है क्या इन्होंने जो है ये बनाया, कहाँ से है, जो है कैसे बनाया है इसको, और इनके दिमाग में ये आइडिया कैसे आया कि बनाने की जो है इसका हम लोग रीयूज कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए आप जो है। आपका नाम पहले? हमारा नाम श्रद्धा त्यागी है, मैं इसी डिपार्टमेंट से हूँ। और ये हमारे सारे ग्रुप के सारे स्टूडेंट ने बनाया हुआ है, हमारे चार ग्रुप है, हमने सारे सबका क्राफ्टिंग वर्क है। तो आपके माइंड में ये आइडिया कैसे आया कि हम लोग इसका जो है रीयूज कर सकते हैं इस तरीके से? होगी तो आप लोग देख सकते हैं जो है यहाँ पर फोन के थ्रू कुछ आइडियाज लिए गए हैं, तो सोशल मीडिया से आप लोग जुड़े रहे जो है, अपना काम पे भी फोकस रखें, इतना भी सोशल मीडिया पे ध्यान ना दीजिए जो है। तो इसका थोड़ा सा हमको बताइए आप जो है ये आइसक्रीम की जो चम्मच है इसको थोड़ा मतलब कैसे बनाया है आपने इसको? ये हमारे ग्रुप के एक फ्रेंड ने बनाया है, मनु अभी वो यहाँ पे है, उन्होंने बनाया हुआ है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो है।